बहन, सत श्री अकाल आप सभी लोगों को। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ पर भी होंगे ठीक ठाक होंगे हमेशा की तरह। सो दोस्तों, आज मैं जो सॉन्ग लेकर आई हूँ आपके सामने, वो सॉन्ग है अजीत बोलदा बाय गुरमान सहोता एंड मनजीत सिंह सोही। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मनजीत सिंह सोही भाई बहुत खूब खतरनाक, मतलब जिस तरीके से उन्होंने हिस्टोरिकल चीजों को बयान करा बिल्कुल सही। तो कहा उन्होंने, देखिए हम लोग हर बार एक ही चीज को मेंशन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें अलग हो जाती हैं। हर किसी का बताने का तरीका अलग होता है। जैसे इन्होंने बताया अपने इतिहास में कि 40 सिख थे केवल, हम सबको पता है, और 10 लाख मुगलों से कैसे बदला लिया था और उनकी उम्र पे ना जाना। बिल्कुल सही है यार, जब इंसान कहते हैं ना जवानी के जिस पड़ाव में इंसान पैर रखता है, उस पड़ाव पर उन्होंने पैर ही रखा था, जहाँ जवानों के ख्वाब होते हैं जवान लड़कों के कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, वहाँ पर उन्होंने अपने पिताजी के साथ खुद से, क्योंकि जो उस समय वहाँ के जो सिख लोग भाई थे उन्होंने कहा कि नहीं आप गुरु गोविंद सिंह जी के बाद आप अपना उनका पद जो है वो आप संभालोगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं जंग में जाऊंगा और वहां मैं लड़ाई करके शहादत पाऊंगा। बहुत अच्छा जज्बा था, जैसे उन्होंने खुद बोला सॉन्ग में कि मुंह से मांगी हमने शहीदी, तो बिल्कुल सही बात है यार, उन्होंने अपने मुंह से शहीदी मांगी है। और मजा आ गया भाई सॉन्ग सुन के, खतरनाक था, आग लगा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो फैला दीजिए। और अब शहीदी के जो हमारे दिन है वो आने वाले, हम सबको पता है, तो ऐसे सॉन्ग को सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए। और मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें। सत श्री अकाल आप सभी लोगों को।